नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। मांझियाव सरसतिया गांव के ललिता स्वयं सहायता समूह के डीलर पर लाभुकों ने 23 माह का फ्री राशन नहीं देने का लगाया आरोप। मांझियाव बरडीहा प्रखंड क्षेत्र के सरसतिया गांव के ललिता स्वयं सहायता समूह के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार पर बभनी गांव के रजवारी टोला के दो दर्जनों से अधिक महिला लाभुकों ने लगभग 23 माह से केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली PMAY फ्री का राशन नहीं देने का आरोप लगाया है। इधर लाभुक चंद्रावती देवी, सुनीता देवी, कौशल्या देवी, बासमती कुमार, शीला देवी, गंगा जली देवी, जसिया देवी, सिमित्री देवी, ललवा देवी आदि महिलाओं ने बताया कि ललिता स्वयं सहायता समूह के डीलर के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली फ्री का राशन अप्रैल 2022 से फरवरी 2022 तक का राशन नहीं दिया गया है। इसकी शिकायत लाभुकों ने उपायुक्त से करते हुए उक्त डीलर से राशन की रिकवरी करते हुए जांचों उपरांत कार्यवाही की मांग की है। लाभार्थियों के बीच सर्वेक्षण के अनुसार शिकायतकर्ता एवं अन्य लाभार्थियों के परस्पर विरोधाभासी बयानों ने आरोपों को और संदेहास्पद बना दिया है, जो डोर टू डोर जाकर भौतिक सत्यापन करने की जरूरत है। बताते चले कि ललिता स्वयं सहायता समूह डीलर के अधीनस्थ सरसतिया, गणतेरिया, लोका, बभनी एवं आंशिक रूप से बडीहा मिलाकर लगभग 1200 राशन कार्ड धारी शामिल हैं। ज्ञात हो कि पिछले कोरोना वायरस महामारी को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों को फ्री में राशन अलग दिया जा रहा है, लेकिन उपस्थित लाभुकों ने कहा कि राशन नहीं मिला है। वहीं कार्ड धारकों को कार्ड देखा गया तो पाया गया कि महीने से कार्ड में एंट्री नहीं है। इधर ललिता स्वयं सहायता समूह के डीलर अध्यक्ष ललिता देवी का कहना है कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप गलत हैं। इधर समाज सेवी चंद्रमुखी कुमारी ने डीलर पति ददन यादव एवं उनके परिजनों पर गंगतेरिया गांव में महिला लाभुकों से वार्तालाप के दौरान अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। कहा कि प्रखंड की जांच टीम द्वारा पहले डीलर से मिलीभगत कर जांच की गई, जो डीलर बताया है। वहीं जांच टीम में CI राजकुमार साहू, प्रवीण कुमार, राजू कुमार ऑपरेटर पहुंचे थे। इधर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सुश्री दीपमाला के द्वारा कहा गया कि जांच टीम गठित कर जांच के लिए भेजा गया है और मालूम चला कि 11 लाभुकों को राशन नहीं मिलने की सूचना है, लेकिन फिर भी अपने तरीके से जांच करते हुए पहली प्राथमिकता रहेगी कि लाभुकों को राशन दिलवाना और दोषी पाए जाने पर डीलर सीप निरस्त करवाने का काम करूंगी। फ्री वाला नहीं मिला है, कब से नहीं मिला है, कितने दिनों से नहीं मिला है बताइए। जब तक लॉकडाउन हो तब तक नहीं मिला राशन। लॉकडाउन से लेकर अभी तक नहीं मिला, फ्री वाला नहीं मिला, फ्री वाला नहीं मिला, वैसे दाम वाला मिलल बा। तो दाम वाला में कटौती वगैरह होता है, 3 किलो। अच्छा, में 1 लीटर तेल और 60 किलो चावल और 150 रुपया मैंने पैसा से। हाँ तो उतना मिलेगा था, कैसे कहूँ जितना मिला हमारे कार्ड का ही। आपको कितना मिला है? हमरा मिला लाने 33 किलो मिला था। रहा कै लोग हैं? हमने 5 लोग हैं। 5 लोग के क्या किलो? 25 किलो के भाव से आगे लगा तो 25 किलो नहीं मिली महीना में। हाँ। तो 3 महीना के मिलल बा। हाँ। तो हमने के मिलल बा ने 60 और 6 गेहूँ चावल मिला के। अच्छा, 6-6 किलो। हाँ। कौन डीलर है? 22-6-6 यानी 25, 3 किलो की कटौती पर मंथ का। हाँ। अरे कहाँ डीलर है? डीलर डीलर का नाम डीलर ससतिया। कहाँ है नाम डीलर का? ददन ललिता समूह में। अच्छा, इसी के आप ही लोग कल गए थे देने परसों? हाँ। अच्छा, मनिये गए लिया और टीका कहीं अकेले वाला आवत लाने तो जा निकला कहला आउ जात मन तो बोरा से हमने का मन से किलो न मिला रहनी गरीबा खाता में हमने खाली बढ़ के हम बोरा मिला। फ्री राशन मिलता है कि नहीं? फ्री वाला मिला कि नहीं? फ्री वाला ये 1 महीना फ्री तो 2 महीना पैसा ले। अच्छा, मिलल बा अभी हफ्ता अथी में। नाम बता आपकी बेर में। हां, खाली अपनी मिलल बा नहीं? पहले मिल रहा था कि नहीं? फ्री वाला मिला है कि नहीं? पहले नहीं, सारे लोगों को फ्री वाला नहीं मिला है क्या? आप लोगों को नहीं मिला, पैसा वाला मिला है वो भी कटौती के साथ। क्या आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया गया किसी के द्वारा, क्या बात है? हाँ, गंतरिया गांव में हम जब सुबह 8 बजे के लगभग वहाँ गए थे जी, तो वहाँ हम लोग कुछ महिला लोग से बात कर रहे थे। हाँ। वहाँ चाचा ये सब भी कुछ लोग जमा थे। हाँ। लगभग 20-25 लोग थे। हाँ। तो उन लोग से बात कर रहे थे, उसी दौरान ददन यादव
पिता बद्री यादव जी। ये है कौन? ददन यादव ललिता का पति है जो अच्छा। जो डीलर है। अच्छा अच्छा। सरस्वती आई का घर है जी जी। तो ये लोग अचानक वहाँ आया बात करने के दौरान और कहा कि तुम कौन होती हो यहाँ आने वाली? अच्छा अच्छा। और तुम डीलर हो कि तुम्हारा घर ओबरा है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा अच्छा। तो हम बोले कि हम यहाँ कहीं भी जा सकते हैं, ये रोकने वाले तुम कौन होते हो? तो कहा कि चमाइन है, ऐसे है, वैसे है, अभद्र भाषा का व्यवहार किया, वो ऐसे मारा, वो ऐसे किया, जमीन ऐसे लुटा गया, हिंदू मुसलमान को लड़वा रही हो, इस तरह से कर रही हो, कितना लूटी तुम, जिला परिषद तुम्हारी माँ थी तो हम उसको जितवाए वोट दे करके, इस तरह का मतलब जितना अनर्गल बात है, उसके बाद जो राशन से संबंधित बात है वो नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। उसके बाद हमको लगा कि अब बर्दाश्त से बाहर है तो हम 100 नंबर पर डायल किए। अच्छा। 100 नंबर पर डायल किए तो उनको बताया कि हम किस जगह पर है, तो वो फिर संबंधित थाना को बढ़िया से फिर हमको फोन आया, पंकज तिवारी सर का जो थाना प्रभारी हैं, तो वो बोले कि आप कहाँ हैं? तो हम बताए कि गंतरिया गांव में हैं और वहीं पर ललन यादव उसी का भाई है, ददन का भाई जो शिक्षक है जी। वो भी हमारे साथ आकर के बकबीक कर रहा था। अच्छा। और वो वहाँ पारा शिक्षक के रूप में है। उसके बाद प्रशासन आई, तब तक ये लोग कोई थाना से फोन कर दिया इसको कि हम लोग आ रहे हैं, आप लोग हट जाइएगा, तो वो लोग हट गया। फिर हम प्रशासन के साथ आए और फिर हम उनको बताए कि अभी जिसके लिए हम कंप्लेन किए थे वो बबनी गांव में उस लोगों के साथ जबरदस्ती कर रहा है कि हमारा, तुम अपना राशन कार्ड दो। अच्छा। और यहाँ आकर के साइन करो, अगर तुम नहीं आओगी तो हम लोग तुम्हारे घर पे आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो हम इन लोग को मना किए कि आप नहीं ऐसा करिएगा और हम लोग आ रहे हैं। तो फिर हम यहाँ आए तो यहाँ सब लोग थे, जब जाने की पुलिस आने वाली है फिर उसको किसी का फोन आया, फिर वहाँ से यहाँ से वो लोग चला गया। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंद्रमुखी कुमारी है। वैसे यहाँ हम एज समाज सेवी के तौर पर, चूंकि हमको जानकारी है लोगों को पता नहीं है, तो हम उनको सिर्फ जागरूक करवा रहे हैं, बस बता रहे हैं कि आपको क्या अधिकार है, क्या है आपका राशन, कितना मिलता है, बस यही। चूंकि हम यहाँ कुछ दिन पहले भी आए थे बबनी में, तो ये लोग समूह में नहीं जुट रही थी, तो इसको हम लोग समूह में जोड़े थे, तीन समूह जो जुड़ी, जब जानकारी थी कि समूह का क्या फायदा है तो ये लोग जुड़ी, और उसके माध्यम से इन्हीं लोग से बात करते हुए हमको पता चला कि जो फ्री का जो राशन है वो इन लोगों को किसी भी महीने में नहीं मिला। अच्छा, अच्छा। जबकि हम इसका जांच किए, नेट पर सर्च किए, संबंधित दूसरे पीडीएस से बात किए, तो वो लोग बोला कि हर एक महीना हम लोग सबको फ्री का और NFSA और PMGKY दो को राशन मिलता है। तो फिर हम इसको नेट पर सर्च किए कि ये कितना दिन से कितना दिन तक लागू है, तो अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक लागू है। मतलब इन लोगों का जो नहीं मिला है वो सत्य है? हाँ, बिल्कुल सत्य है। और टोटल 23 महीना होता है और 23 महीना में से एक भी महीने का इन लोग को फ्री राशन नहीं मिला। और भी यहाँ के लोग लाभुक बोल रहे हैं कि 2 किलो काटा जाता है, 3 किलो काटा जाता है, 2 रुपए दिए, और क्या ये भी सच्चाई है? बिल्कुल ये सच्चाई है। और एक चीज और है इसमें, एक सबके कार्ड पे कलम से जी, जैसे राशन कार्ड में अगर संख्या 8 है तो उसका 6-7 ऐसा बनाया गया है, जबकि हम उसको नेट पर सर्च किए तो उसका 8 लोगों का बजाबते वहाँ नाम दर्ज है और उसको राशन वहाँ से उठाव हो रहा है। क्योंकि एक महीने में जितना लोगों का हम अंगूठा लगाते हैं तो जब राशन वितरण का विवरण निकालते हैं तो वहाँ दिख जाता है कि कितना किलो इसको मिला, वो भी हम निकाले तो उसमें उन लोग का राशन आया, लेकिन डीलर के द्वारा कहा जाता है कि ये आपकी बेटी यहाँ से ब्याह होकर चली गई इसीलिए आपको यहाँ राशन नहीं मिलेगा, तो राशन को गमन कर देता, उसको गमन कर देता, उसको फिर कभी वापस देता नहीं है। चलिए ठीक है, आपका सार्थक पहल सफल हो। गढ़वा का गौरव हरे भरे गार्डन से सुशोभित उत्सव गार्डन, 400 कुर्सी का एसी हॉल, अन्य 100 कुर्सी का 2 हॉल, 4 AC डिलक्स रूम, 5 डिलक्स रूम, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, 1600 लोगों को एक साथ मीटिंग करने की सुविधा, मैरिज लॉन, बुकिंग के लिए संपर्क करें उत्सव गार्डन, कचहरी रोड, बिजली ऑफिस के सामने, गढ़वा।